हेलो फ्रेंड्स, नीटिंग डिज़ाइन में आज देखिए हमें एक फ्लावर बेल की डिज़ाइन है। इस एक फ्लावर को आप अलग अलग भी बना सकते हैं या इस तरह से बॉर्डर के रूप में भी बना सकते हैं। इसके ऊपर मैंने ये कार की डिज़ाइन बनाई है जिसका मैं ग्राफ अभी आपको दिखाऊंगी। आज मैं इस नीचे फ्लावर बॉर्डर डिज़ाइन को बना करके दिखाती हूँ। ये एक फ्लावर जो है हमारा 17 फंदों में बना है। 17 17 के मल्टीपल फंदे लीजिए तो ये डिज़ाइन पूरी बन करके आ जाती है। आइए देखते हैं कि इसकी फर्स्ट रो हम कैसे बनाएंगे। ये देखिए हमारी फर्स्ट रो है जिसमें हम यहाँ पे मैंने 20 फंदे लिए हैं जिसमें 17 फंदों में डिज़ाइन आएगी। दो फंदे इधर किनारे एक्स्ट्रा रहेंगे, एक फंदे मैं आगे एक्स्ट्रा रखूँगी। ये पहला फंदा उतार लिया, अब चार फंदे ब्लू कलर से रहेंगे। ये चार फंदे ब्लू कलर हो गए, अब ग्रीन कलर लगेगा। एक दो तीन फंदे ग्रीन कलर से, एक दो ब्लू, और इसके बाद पांच फंदे ग्रीन कलर। एक दो तीन चार पांच, और इसके बाद के हमारे सारे फंदे ब्लू कलर से हो जाएंगे। ये दो, ये देखिए यहाँ ये पहला फंदा छोड़ दीजिए, ये तीन फंदे और ये चार फंदे, यही हमारे बार बार रिपीट होंगे। आइए अब इसकी सेकंड रो देखते हैं। सेकंड रो में ये देखिए चार ब्लू हो गए, एक पांच ब्लू फंदे, फिर हमारे पांच फंदे ग्रीन कलर से रहेंगे। दो तीन चार पांच, फिर एक दो ब्लू कलर, एक ग्रीन कलर, और इसके बाद सारे फंदे हमारे ब्लू हो जाएंगे। ये हमारी थर्ड रो है जिसमें ब्लू के ऊपर मैं सारे फंदे ब्लू बना रही हूँ, और ये जो ग्रीन फंदा है ये भी हमारा ब्लू हो जाएगा। एक ग्रीन दो ब्लू, फिर हमारे पांच फंदे ग्रीन कलर से। दो तीन चार पांच, और लास्ट के हमारे चार फंदे ब्लू कलर से रहेंगे। फोर्थ रो में देखिए एक दो ये तीन फंदे और ये एक, चार फंदे ब्लू कलर। एक दो तीन, ये तीन फंदे ग्रीन कलर से। एक दो तीन फंदे ब्लू, एक ग्रीन, और इसके बाद के हमारे सारे फंदे ब्लू रहेंगे। ये देखिए मैं फिफ्थ रो बना रही हूँ जिसमें जितने ब्लू कलर थे उतने ही मैंने ब्लू बना लिए। अब ग्रीन के ऊपर एक फंदा हमारा ग्रीन कलर से रहेगा और बाकी के सारे फंदे ब्लू हो जाएंगे। ये जो ग्रीन वाला फंदा है वो भी अब हमारा ब्लू कलर हो जाएगा। सिक्स रो में देखिए एक दो तीन चार फंदे हमारे ब्लू कलर से, अब यहाँ पे हमारा एक रेड कलर लग जाएगा। ये एक फंदा रेड, दो तीन चार पाँच, ये पांच फंदे रेड के, और हमारा अब यहाँ येलो कलर लगेगा। ये सिक्स रो में देखिए ये शुरू के हमारे चार फंदे ब्लू के हैं, एक दो तीन चार पांच फंदे रेड कलर से, अब हमारा येलो कलर लगेगा यहाँ। ये देखिए येलो कलर से एक दो तीन फंदे येलो कलर से, अब हमारे फिर पांच फंदे रेड कलर। एक दो तीन चार पाँच, ये देखिए पांच रेड के बाद ये तीन फंदे हमारे ब्लू कलर से हो जाएंगे। सेवन्थ रो में देखिए पहला फंदा ब्लू उतार लिया, एक और ब्लू कलर, दो ब्लू हो गए। इसके बाद हमारे पांच फंदे रेड कलर, एक दो तीन चार पांच रेड, एक ब्लू, और हमारे तीन येलो के ऊपर तीन फंदे येलो ही रहेंगे। एक दो तीन, फिर एक फंदा हमारा ब्लू कलर हो जाएगा, पांच फंदे रेड के। एक दो तीन चार पाँच, और लास्ट के तीन फंदे हमारे ब्लू कलर रहेंगे। एक दो तीन,
इस रो में देखिए ये ब्लू तीन जो थे वो तीन ब्लू हो गए। अब यहाँ रेड से एक दो तीन चार, दो फंदे हमारे ब्लू कलर से, फिर एक रेड, एक येलो, एक रेड, दो फंदे ब्लू कलर, चार फंदे रेड के, एक दो तीन चार, और लास्ट के हमारे दो फंदे ब्लू कलर। ये देखिए नाइन्थ रो पे आ गए हैं जिसमें ब्लू कलर से पहला फंदा उतार लिया, ये दो, तीन फंदे ब्लू कलर से, दो रेड, एक दो ब्लू, दो रेड, फिर एक ब्लू कलर। अब यहाँ से हमारा येलो कलर नेट पहना जाएगा, दो रेड, एक दो ब्लू, दो ब्लू, दो रेड, और इसके बाद के हमारे सारे फंदे ब्लू हो जाएंगे, चार फंदे ब्लू। टेंथ रो में देखिए ये एक दो तीन चार पाँच छ, ये सात फंदे ब्लू के, एक दो तीन रेड के, एक ब्लू, फिर तीन फंदे रेड के, और इसके बाद के हमारे सारे फंदे ब्लू हो जाएंगे। ये देखिए ये टेंथ रो तक मेरी इस तरह से डिज़ाइन बन गई। अब इलेवेंथ रो में ब्लू के ऊपर सारे ब्लू हैं, देखिए ये दो तीन चार पांच फंदे ब्लू के, एक दो तीन चार रेड, एक ब्लू, फिर चार फंदे रेड के, और इसके बाद के हमारे सारे फंदे ब्लू हो जाएंगे। ये देखिए ट्वेल्थ रो में ब्लू के ऊपर सारे ब्लू हो गए हैं, ये रेड एक दो तीन चार फंदे रेड के, एक ब्लू, एक दो तीन चार फंदे रेड, और सारे फिर हमारे ब्लू हो जाएंगे। ये देखिए ये ट्वेल्थ रो तक हमारी डिज़ाइन बन गई। अब आखिरी रो थर्टीन रो तेरहवीं सिलाई, जिसमें ये तीन फंदे ब्लू हो गए, चार पाँच छः फंदे ब्लू के, दो रेड, एक दो तीन ब्लू, एक दो रेड, और इसके बाद के हमारे सारे फंदे ब्लू हो जाएंगे। ये देखिए ये फ्लावर डिज़ाइन ब्लू कलर पे भी कितना सुंदर बन करके आया है। आइए इस डिज़ाइन का ग्राफ देखते हैं। ये इस देखिए फ्लावर डिज़ाइन का ये ग्राफ है। इस ग्राफ की सहायता से भी आप डिज़ाइन को बना सकती हैं। आइए नीचे देखते हैं, ये इस कार जो मैंने ऊपर बनाई है उसका भी ये ग्राफ है। इस ग्राफ की सहायता से भी आप इस कार डिज़ाइन को बना सकती हैं। मेरा वीडियो अगर आपको पसंद आता है तो प्लीज़ लाइक करिएगा, सब्सक्राइब करिएगा। थैंक यू।